हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अभय सक्सेना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसईओ पाठशाला। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है 50 ऑन पेज एसईओ चेकलिस्ट पॉइंटर्स इन 2024। तो आप जैसे देख सकते हैं कि अक्षय बदन, ये मेरा सब्सक्राइबर है, इसने मुझे पहले भी एक रिक्वेस्ट करी थी, तो मैंने उस पर डेडिकेटेड एक वीडियो बनाया था जीएससी गूगल सर्च कंसोल फिल्टर्स पे। और इसने वो फिर एक मैंने भी लास्ट वीडियो बनाया था, एक लास्ट टू लास्ट वीडियो बनाया था कि इंपॉर्टेंस ऑफ इमेज साइट मैप, तो वहाँ पे भी इसका कमेंट आया था कि अभी भाई कि आप एक ऑन पेज डेडिकेटेड वीडियो बनाइए, ऑन पेज जो पॉइंटर्स होते हैं उन पर वीडियो बनाइए। तो विद हिज रिक्वेस्ट, और मैं भी बहुत दिनों से सोच रहा था कि बहुत टाइम हो गया कि मैंने इंडिविजुअल बात नहीं करी टॉपिक्स पे, लाइक ऑन पेज और ऑफ पेज और टेक्निकल। आने वाले टाइम में ऑफ पेज और टेक्निकल एसईओ पे भी इंडिविजुअल वीडियोज आएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं एज पर हिज रिक्वेस्ट कि क्या क्या पॉइंटर्स हो सकते हैं। तो ये जो पॉइंटर्स हैं 50 पॉइंटर्स हैं फ्रेंड्स, और ये 11 मेन पॉइंटर्स में डिवाइड है। लाइक कीवर्ड रिसर्च हो गया, आप देखिए कि कीवर्ड रिसर्च हो गया, कीवर्ड प्लेसमेंट हो गया, टाइटल हो गया, मेटा डिस्क्रिप्शन हो गया, इमेजेस हो गई, टेक्निकल हो गया, कंटेंट क्वालिटी हो गया, यूआरएल हो गया, फ्रेशनेस हो गया, कंटेंट फ्रेशनेस आप कह सकते हैं। तो अब हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको एक बात पता है कि एसईओ इज ऑल अबाउट कीवर्ड, कि अगर हम कुछ भी सर्च करते हैं सर पे सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे, तो और वो कीवर्ड ज़्यादा सर्च किया जाता है तो वो ट्रेंड में आया तो उसकी वॉल्यूम हाई हो जाती है। तो कीवर्ड रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है अगर एसईओ की बात की जाए, ठीक है। और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन फुल फॉर्म सबको पता है कि ये एसईओ है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, लेकिन ये क्या होता है कि जो सर्प के रिजल्ट होते हैं ना, सर्च इंजन रिजल्ट पेज, उन सर्च इंजन को ऑप्टिमाइज करना अपने रिजल्ट्स के लिए। अपने रिजल्ट्स क्या हो गए, वेबसाइट हो गई, वेब पेजेस हो गए, ब्लॉग पेजेस हो गए, वीडियो एसईओ हो गया, इमेज एसईओ हो गया, यूट्यूब एसईओ, ये सब चीज़ों के लिए, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हमारा पहला पॉइंट है कीवर्ड रिसर्च, तो उसका पहला पॉइंट है पेज टारगेट वन कीवर्ड थीम। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे साइड में कमेंट में लिखा है, इन जर्नल इट्स बेस्ट टू टारगेट वन प्राइमरी कीवर्ड एंड फ्यू सेकेंडरी कीवर्ड्स पर पेज। द प्राइमरी कीवर्ड इज द मेन टॉपिक ऑफ द पेज एंड द सेकेंडरी कीवर्ड्स आर रिलेटेड टॉपिक दैट हेल्प सपोर्ट द प्राइमरी कीवर्ड। कि आप कोई भी पेज टारगेट करें तो फ्रेंड्स, मेरी रिक्वेस्ट होगी कम से कम उस पेज को एटलीस्ट 3 कीवर्ड से टारगेट कीजिए। एक प्राइमरी होना चाहिए, 2 सेकेंडरी होना चाहिए। जो प्राइमरी कीवर्ड होना चाहिए वो उसकी वॉल्यूम हाई होनी चाहिए। आप कॉम्पिटिटर रिसर्च कीजिए कि वो जैसे कहते हैं ना कि भाई हम जैसे कोई क्लाइंट आया या फ्रीलांसिंग भी कर रहे हो तो बोलता है कि भाई हमें ना इस कीवर्ड पर रैंक कराना है। अब आप बोलते हो कि यार वेबसाइट फ्रेश है, वो लोग पुराने खिलाड़ी हैं, वो लोग ऑलरेडी 10-10 साल उनकी जो वेबसाइट है वो सर्प पे पड़ी हुई है, ठीक है। और आज आप हमें बोल रहे हो कि आप ना 10,000 वॉल्यूम वाले कीवर्ड पे मुझे 3 महीने में रिजल्ट दे दो। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है ना, अब आपको काम भी करना है भाई, वो आपको पैसे दे रहा है कि मुझे इस कीवर्ड पे रैंकिंग चाहिए, बाकी मुझे कुछ नहीं पता। तो फ्रेंड्स, उसमें एक स्मार्ट मूव क्या होता है, ठीक है आप वो कीवर्ड लो, उस कीवर्ड को भी उस पेज में टारगेट करो एज अ प्राइमरी, लेकिन उसके अलावा जो 2 सेकेंडरी कीवर्ड ले रहे हो ना, वो लो लॉन्ग ट्रेल कीवर्ड जो उसके सिनोनिम्स हो। लाइक उसने बोला डिजिटल मार्केटिंग सर्विस इन दिल्ली, या डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज पे मेरा मेरी वेबसाइट रैंक और पर्टिकुलर वेब पेज या ब्लॉग रैंक करना चाहिए। तो भैया वहाँ पे लोग तो 3600 एसईओ बैठे हुए हैं, इतनी एजेंसीज बैठी हुई हैं, वर्ल्ड वाइड सब काम कर रहे हैं। तो आप एक उसे डेडिकेटेड ले लो, एक लोकेशन वाइज कीवर्ड टारगेट करना सीखो कि बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन दिल्ली, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज नियर बाय यू, या बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज आप किसी जोन को कर लोगे नियर मी, काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ सिनोनिम्स आप ट्राई करो। उससे क्या होगा कि ये जैसे है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन दिल्ली, ये एक लॉन्ग ट्रेल कीवर्ड है, इसकी वॉल्यूम हमेशा कम होगी एज कम्पेयर टू डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। तो इससे आपको क्या फ़ायदा हुआ कि आप जब बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इन सर्विसेज पे कीवर्ड आप उसके हिसाब से कंटेंट लिखोगे और बैकलिंक करोगे ना, तो धीरे धीरे कुछ टाइम बाद ना 6 या 7 महीने बाद डिजिटल मार्केटिंग सर्विस वाले कीवर्ड में भी आप कहीं ना कहीं रैंक करने लग जाओगे। अगर आप पहले ही हाई वॉल्यूम पे जाओगे ना, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम ऑफ 3 मंथ्स यू कैन प्रोड्यूस दैट अमाउंट ऑफ रिजल्ट दैट योर क्लाइंट लुकिंग फॉर द वेबसाइट और फ्रॉम यू। लेकिन आप बोलो कि ठीक है हम दूसरा कीवर्ड उठाएंगे और उस पर हम लोग काम करते रहेंगे, इससे क्या होगा धीरे धीरे आपका वो कीवर्ड भी आने लग जाएगा सर में। तो इसलिए पहला इंपॉर्टेंट है कि कीवर्ड रिसर्च कीजिए, एक हाई वॉल्यूम कीवर्ड पकड़िए और बाकी 2 लो वॉल्यूम कीवर्ड पकड़िए, लेकिन कॉन्टेंट तीनों के हिसाब से लिखिए कि एक रेलिवेंसी होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट है चेक वॉल्यूम एंड कॉम्पिटिशन। थर्ड पॉइंट है गूगल कीवर्ड टू चेक इंटेंट।
तो आप जैसे मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया है सैमरस से कि जैसे मैंने सारे कीवर्ड लिखे डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज 14,800, एसईओ सर्विसेज, टेक्निकल एसईओ, लोकल एसईओ, व्हाट इज़ ऑन पेज एसईओ, एसईओ एक्सपर्ट, नियर मी, सोशल मीडिया सर्विसेज। तो हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे, इंटेंट निकालेंगे, कंपटीशन भी है होता है कि कितना कंपटीशन है, हाई हाई मीडियम लो। आप कीवर्ड प्लानर पे जाइएगा कि कितना कितना वॉल्यूम है। जैसे 14,800 है तो ऑब्वियसली इतनी वॉल्यूम है, हाई भी हो सकता है लो भी हो सकता है। हाई ही होगा क्योंकि हाई वॉल्यूम है, तो उस हिसाब से हमारी कीवर्ड डिफ़िकल्टी भी ज़्यादा होगी। कीवर्ड डिफ़िकल्टी का ये होता है कि आपका रैंकिंग में, कि उसमें कितना आपको काम करना पड़ेगा, कितने एफर्ट डालने पड़ेंगे उसको रैंक लाने के लिए। अब यहाँ बात है गूगल कीवर्ड टू चेक इंटेंट। इंटेंट अब डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, ये आई है फ्रेंड्स, आई डिनोट्स टू इंफॉर्मेशनल, कि आपने लिखा डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, ठीक है। तो ये एक दो चीज़ें हो गई, इसका इंटेंट ड्यूअल हो गया। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज किसने लिखा, तो कोई डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के बारे में जानना चाहता है, तो गूगल को लगता है कि ये इंफॉर्मेशनल इंटेंट है, तो मैं इस बंदे को अगर इसने सर पे डाला तो मैं वो ब्लॉग दिखाऊं जिसमें डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के बारे में बताया गया है कि SMO होता है, SEM होता है, SEO होता है, लाइक दिस। अब SEO सर्विसेज ये भी इंफॉर्मेशनल हो गया, कोई जानना चाहता है। टेक्निकल SEO, ये आई और सी आ गया। अब देखिए ये कमर्शियल क्यों हुआ, ये कमर्शियल ये हुआ फ्रेंड, एक तो इंफॉर्मेशनल गया, लेकिन हर कोई ना, अगर एक लेमैन की बात की जाए ना, कि जिसको कुछ भी नहीं पता, वो कहता है मुझे डिजिटल मार्केटिंग करानी है अपनी वेबसाइट के लिए, तो कभी वो टेक्निकल SEO की बात नहीं करेगा, वो बात करेगा भाई मेरे को ना SEO करवाना है। लेकिन अगर किसी ने सर पर डाला टेक्निकल SEO, तो आप समझ लो कि उसका जो माइंड है ना वो कमर्शियल है। कहीं ना कहीं उस बंदे ने या तो अपना SEO करवा रखा है कहीं से जिससे वो सेटिस्फाई नहीं है, जहाँ उसको ये पता चला कि यार टेक्निकली मेरी वेबसाइट बहुत डाउन है, तो वो एक एक्सपर्ट ढूंढ रहा है SEO, एक एजेंसी ऐसी ढूंढ रहा है जिसका टेक्निकल SEO साउंड हो और जिनकी इमेज बहुत अच्छी हो, ठीक है। लोकल SEO ये इंफॉर्मेशनल। अब है SEO एक्सपर्ट नियर मी, ये टी है, टी मतलब ट्रांजेक्शनल, ये तो साफ पता चल रहा है कि हम SEO एक्सपर्ट नियर मी ढूंढ रहे हैं, मतलब हमें भैया अपनी वेबसाइट पे या तो अपनी वेबसाइट के लिए या अपना GMB अकाउंट है जो लोकल SEO उसके लिए, या कोई भी आसपास का बंदा चाहिए जो भाई हमारी वेबसाइट संभाल लेके, तो ये ट्रांजेक्शनल फील आ गई, तो इसलिए ये टी आ गया। तो आपको जो कीवर्ड आप ढूंढोगे ना फ्रेंड्स, जब कीवर्ड रिसर्च करोगे तो इंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आप इंटेंट की बात करो। जैसे रैंक 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 ब्रेन एल्गो आई थी जो कि रियल टाइम में यूजर के इंटेंट पे काम करता है। एक ने लिखा कॉफी, ठीक है, एक ने लिखा कॉफी शॉप, ठीक है। तो आप देखिए एक कॉफी, कोई कॉफी के बारे में पूछ रहा, तो उसका ना एक आ जाएगा, आपका कहते हैं ना सर्च स्निपेट्स आ जाएंगे कि भैया ये ना कॉफ़ी के बारे में जानता है, कि कॉफ़ी किस सदी में आई थी, कॉफ़ी वर्ड कहाँ से आया, किस देश में कॉफ़ी का इजाद हुआ और वहाँ हुआ। लेकिन किसी ने कॉफ़ी शॉप लिखा तो गूगल का इतना स्मार्ट है, वो कहेगा कि भैया ये आसपास की कहीं कॉफ़ी शॉप ढूंढ रहा है, तो हम इसको आसपास लोकल रिजल्ट दिखा दें जो इसके नियर बाय हो। तो ये आपकी होती है इंटेंट, और ये आपका होता है वॉल्यूम। और कॉम्पिटिशन तो मैंने आपको बता दिया, हाई मीडियम हो सकता है, तो वही है प्राइमरी कीवर्ड, आप हाई वॉल्यूम मतलब लीजिए, बाकी मीडियम और लो वाले लीजिए, ताकि स्टार्टिंग में हाई वॉल्यूम वाला कीवर्ड पे आपका पेज ना है, लेकिन लो वॉल्यूम वाले आने लग जाएंगे, तो आप देखिएगा आने वाले टाइम में हाई वॉल्यूम आने लग जाएगा, क्योंकि गूगल को एक ट्रस्ट फैक्टर आ जाएगा कहीं ना कहीं। ये इन जैसे ये लिखा है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, ठीक है मुश्किल है, लेकिन बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन दिल्ली, तो आप देख रहे हो बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन दिल्ली, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज बीच में आ गया, बेस्ट और इन दिल्ली के, कहीं ना कहीं आपने इनडायरेक्टली उसे भी टारगेट कर दिया, तो इस तरीके से धीरे धीरे वो भी टारगेट होने लग जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कीवर्ड प्लेसमेंट। तो फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पेज टाइटल H1, टाइटल टैग, मेटा डिस्क्रिप्शन, फर्स्ट 100 वर्ड्स ऑफ पेज, H2 हेडिंग्स, इमेज फाइल नेम्स, इमेज ऑल टेक्स्ट, नेचुरली इन बॉडी। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे एक लिंक लिखा है, मतलब मैंने इस वेबसाइट पे भी काफ़ी काम किया है, एक मिनट दो, मैं इस पेज को आपके लिए ओपन करता हूँ। अब आप इस पेज में आप सारी चीज़ें देख सकते हो, जैसे जैसे बोला गया है कि पेज टाइटल H1, टाइटल टैग होना चाहिए, तो हम जैसे यहाँ पे गए, क्रोम एक्सटेंशन है, देखो हेडर्स की बात है, H1 एक ही होना चाहिए, तो वो H1 यहाँ पे है। जब मैं हेडर पे गया तो इन्होंने H1 ले रखा है, कमर्शियल जंक रिमूवल सर्विसेज, मैंने इसे कॉपी करा, मैं यहाँ आया तो इन्होंने कमर्शियल जंक रिमूवल सर्विसेज की, ये H1 भी है लेकिन पेज का टाइटल भी है, ठीक है। अब टाइटल टैग की बात आई, तो टाइटल टैग में देखिए कमर्शियल जंक रिमूवल सर्विसेज,
कमर्शियल फर्नीचर रिमूवल, ये दो कीवर्ड टारगेट कर रहे हैं फ्रेंड्स, एक तो प्राइमरी और एक ये सेकेंडरी। फिर इनका मेटा डिस्क्रिप्शन देखिए, 1800 डीड ऑफ इट, ये इनका जैसे कहते हैं ना एक हेल्पलाइन नंबर है, प्रोवाइड हैसल फ्री कमर्शियल फर्नीचर रिमूवल एंड कमर्शियल जंक रिमूवल सर्विसेज इन टोरंटो एंड अक्रॉस द जीटीए। देखिए फ्रेंड्स, दोनों कीवर्ड टारगेट हुए कमर्शियल फर्नीचर रिमूवल एंड कमर्शियल जंक रिमूवल सर्विसेज इन टोरंटो, ठीक है, और लोकेशन वाइज भी टारगेट कर दिया इन्होंने। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ठीक है, तो ये दोनों कीवर्ड कहीं ना कहीं, ये मैं अभी दोबारा इसके बारे में बात करूंगा, मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन में आ रहे हैं, ठीक है। अब उसकी बात है मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा डिस्क्रिप्शन में आ रहा है फर्स्ट 100 वर्ड ऑफ पेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड कि कीवर्ड की प्लेसमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है। अबव द फोल्ड आपने सुना होगा कि जब भी वेब पेज लोड होता है तो अबव द फोल्ड पार्ट में ना आपका मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए। तो अबव द फोल्ड क्या होता है, जब पहला पार्ट आपका ओपन होता है मोबाइल पे, डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे, तो अबव द फोल्ड में ये पार्ट ओपन हो रहा है, ठीक है। अब आप देखो इन्होंने कीवर्ड प्लेसमेंट कितनी अच्छी करी। अगर मैं कमर्शियल जंक रिमूवल सर्विसेज की बात करता हूँ और मैं यहाँ पे आता हूँ, देखिए 6 बार आ रहा है पूरे पेज में, लेकिन देखो एक टाइटल टैग H1 हो गया जो स्टार्टिंग में ही आ गया। यहाँ पे देखो कमर्शियल जंक रिमूवल सर्विसेज, कमर्शियल जंक रिमूवल, देखो इन्होंने इस कीवर्ड को भी टारगेट करा है। देखो कमर्शियल जंक रिमूवल तो था, और कमर्शियल जंक रिमूवल सर्विसेज प्राइमरी कीवर्ड इनका कमर्शियल जंक रिमूवल सर्विसेज था, लेकिन एक सेकेंडरी कीवर्ड भी इनका हो गया कमर्शियल जंक रिमूवल इन ग्रेटर टोरंटो एरिया, लोकेशन वाइज इन्होंने टारगेट कर दिया। अबव द फोल्ड पार्ट में फर्स्ट 100 वर्ड्स में अगर मैं बात करूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो आप देख सकते हो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैं बात करता हूँ, ये 100 वर्ड भी होते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो 1, 2, 3, 4, ठीक है फ्रेंड्स, देखिए 4 बार आ गया। तो ये होता है कि स्मार्ट मूव की फर्स्ट अबव द फोल्ड पार्ट में 100 वर्ड्स में आपका कंटेंट आना चाहिए। इमेज फाइल नेम्स, इमेज ऑल टेक्स्ट नेचुरली इन द बॉडी, देखिए फ्रेंड पहले नेचुरली इन द बॉडी की बात करते हैं कि कीवर्ड देखिए यहाँ पे प्लेस है, ठीक है, आप चैट जीपीटी से भी लिखवा लीजिए, एक ह्यूमन टच भी होता है, लेकिन आप देखिए इज योर बिजनेस जनरेटिंग मोर वेस्ट देन यू कैन हैंडल लुकिंग फॉर प्रोफेशनल अफोर्डेबल कमर्शियल जंक रिमूवल सर्विसेज। देखिए क्या आपका बिजनेस इतना वेस्ट जनरेट कर रहा है कि आप उसे संभाल नहीं पा रहे, तो या आपको एक प्रोफेशनल और अफोर्डेबल रिमूवल जंक रिमूवल सर्विसेज चाहिए, तो इन्होंने देखो कितने स्मार्ट मूव से, ये एक जंक रिमूवल की साइड है कि जो हमारा वेस्ट होता है डेली का वो हम लोग एक कंपनी को हायर कर देंगे, भाई ये स्क्रैप है इसे आप लेके चले जाओ। तो इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे इसके बारे में लिखा है और अपना कीवर्ड यहाँ प्लेस कर दिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक ये होता है कि आपको एक स्मार्ट वे से वो भी करना है, थोपना नहीं है, जैसे कीवर्ड स्टफिंग हो गया कि माय डॉग इज़ ब्लैक, ब्लैक डॉग इज़ गुड, ब्लैक डॉग इज़ लक्की फॉर मी एंड आई वुड लव टू लाइक टू कॉल हिम लाइक ब्लैक डॉग। तो ये क्या हो रहा है, ब्लैक डॉग एक अनोइंग लग रहा है कि भाई एक पर्टिकुलर पे करा जा रहा है, लेकिन एक आपने एक स्मार्ट वे में आपने एक इन्फॉर्मेशन दी, देन पुट योर ट्रस्ट इन 1800 रीड ऑफ इट। देखिए वी स्पेशलाइज इन कमर्शियल जंक रिमूवल, फिर इन्होंने एक अपना कीवर्ड का की फ्रेज यूज़ कर लिया, इसको डिवाइड करके कमर्शियल जंक रिमूवल इन ग्रेटर टोरंटो एरिया। ये एक GMB भी है फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं इन्होंने GMB को भी टारगेट कर दिया कि अगर ग्रेटर टोरंटो एरिया में कोई सर्च करे जंक रिमूवल सर्विसेज नियर मी, तो ये वेब पेज रैंक कर जाएगा फ्रेंड्स, ये वेबसाइट रैंक कर जाएगी, क्योंकि यहाँ पे उसने एक लोकेशन की बात कर दी है, ठीक है फ्रेंड्स। ये होता है स्मार्ट वे अपने कीवर्ड्स को प्लेस करने का। अब H2 हेडिंग फ्रेंड्स, H2 हेडिंग आप देख लीजिए इसमें है, अगर देखा जाए तो H1 तो वो हो गई, H2 ये इको फ्रेंडली जंक रिमूवल डिस्पोजल व्हाट वी पिकअप, तो इन्होंने H2 हेडिंग भी यहाँ पे, एक मिनट, देखिए ये एक H2 हेडिंग ये एंड व्हाट वी पिकअप H2 हेडिंग एक ये, तो हमारी H2 हेडिंग भी आ रही है। तो H1, H2, H3, H4 ये बहुत स्मार्ट लगे, लेकिन H1 बनी होनी चाहिए, बाकी आप अपने पेज के जिस तरीके से प्रेजेंटेशन है, जिस तरह फॉर्मेट है, उस हिसाब से अपनी हेडिंग डिसाइड कीजिए, ठीक है। अब इमेज फाइल नेम्स, इमेज ऑल टेक्स्ट नेचुरली इन द बॉडी। अब जो इमेज फाइल नेम क्या होता है फ्रेंड, जैसे हमने कोई इमेज सेव करी JPG, PNG जो भी होती है, अब उसमें फाइल नेम में भी आपको कीवर्ड से सेव करनी चाहिए। जिस तरीके से एक तरीका होता है, जैसे मैं आपको एक आप दिखाऊं, जैसे मैं डाउनलोड पे जाऊं,
मैं बहुत सारे आपके थंबनेल बनाता हूँ, तो आप देख लीजिए कि जैसे मैंने थंबनेल बनाया है, ये लास्ट वीडियो था मेरा प्रैक्टिकल इम्पिटेशन ऑफ रिजेक्ट्स, ठीक है। तो मैं इसको चाहता तो सेव किसी में नाम कर सकता, लेकिन देखिए मैंने लिखा यूजिंग फॉर रिजेक्ट्स इन GA फॉर 2024 ट्यूटोरियल इन हिंदी, ठीक है। ये होता है कि आप इमेज फाइल आप सेव कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे भी कीवर्ड लिखिए, ठीक है। इमेज ऑल टेक्स्ट आप सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, इस पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, आई बटन में उसका लिंक है कि इंपॉर्टेंस ऑफ जब हम साइड मैप करेंगे, इमेज साइड मैप करेंगे, तो उसमें आपको कहीं ना कहीं ये वाला भी पॉइंट दिख जाएगा कि ऑल टेक्स्ट कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप यहाँ पे ही जाएंगे तो आप देखिए यहाँ पे इमेजेस पे भी गए, इस पेज पे जो इमेजेस पड़ी हैं देखो, लोगो डॉट पी एन जी ये होता है फाइल नेम। अगर यहाँ पे देखो लोगो डॉट पी एन जी रीड ऑफ इट टोरंटो जंक रिमूवल, ये एक ब्रांड नेम है, अगर हम चाहते तो लिख सकते थे रीड ऑफ इट जंक रिमूवल डॉट पी एन जी, ये हमारा फाइल नेम हो गया। लेकिन देखो इस पर ऑल टेक्स्ट लगा हुआ है रीड ऑफ इट टोरंटो, देखा आपने, यहाँ पे भी लोगो आ रहा है, यहाँ बैनर इमेज विद न्यू पी एन जी, यहाँ पे हम इस इमेज का या इस वेब पेज पे जो कीवर्ड है उसका नाम लिख सकते थे। और देखो ये ऑल टेक्स्ट उन्होंने मेंशन करा हुआ है, कमर्शियल जंक रिमूवल एंड डिस्पोजल, ठीक है, ऑल टेक्स्ट और आपका इमेज नेम होना, इमेज विद फाइल नेम्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी इमेज सेव करो उसमें टारगेट कीवर्ड डालो, लेकिन वो टारगेट कीवर्ड भी किस तरह से, वो नेक्स्ट वाले पॉइंटर में आपको पता चलेगा। ये सेकंड पॉइंट क्लियर हुआ। अब हो गया टाइटल, ओनली वन एच वन टैग कंटेन्स कीवर्ड, टाइटल टैग लेस देन 60 करेक्टर कंटेन्स कीवर्ड, कन्वे वैल्यू डजंट ओवर प्रोमिस, ठीक है। अब हम इस पे आते हैं, देखो फ्रेंड्स 60 होना चाहिए, ये 63 है, लेकिन ये ग्रीन है, लेकिन मैं मानता हूँ कि भाई आप 60 रखो, वरना फिर वो पूरा सर्प पे दिखेगा नहीं कहीं ना कहीं, ठीक है, वो पूरा आपका सर्प पे दिखेगा नहीं। अगर मैं इस कीवर्ड को देखूँ एक बार डाल के यहाँ पे, देखते हैं कि क्या रिजल्ट आ रहा है। देखिए फ्रेंड्स अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, यहाँ पे देखिए डॉट 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 आने लग गया है, ठीक है। ऑल दो ये वाला पेज नहीं है, इसका है कमर्शियल जगह, लेकिन एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर मैं इस पेज पे भी जाता हूँ ना, इस पेज को ओपन करता हूँ, तो 100% 60 प्लस होगा इसका मेटा टाइटल। अब देखो इसका मेटा टाइटल कितना है, देखो 70 है और ये रेड है, ठीक है। तो ये 1800 तक तो यहाँ पे आया, 1800 तक तो गया, फिर डॉट डॉट आ गया, डॉट डॉट मतलब ये आगे चला गया, ये एक्सीड कर गया, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। तो हमें क्या मेंटेन करना है, हमें मेंटेन करना है ये 60-65 तक रहे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको ये एग्जांपल से मैंने ये चीज़ भी क्लियर कर दी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब क्या है कि वो बोल रहा है ओनली H1 एक ही है हमारा इस पेज में, भाई हेडर पे गए, हमारा H1 ये कमर्शियल जंक रिमूवल सर्विसेज, और यहाँ पे भी आप ये क्रोम एक्सटेंशन फ्रेंड्स SEO मेटा के लिए जरूर इंस्टॉल कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे H1 एक ही दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है टाइटल टैग लेस देन 63 हमारा जा रहा है, वो हमारी गलती है, हमें इसको 60 पे ले आएंगे, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद कन्वे वैल्यू, एक वैल्यू कन्वे होनी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, कि आप कुछ बता रहे हो, आप जो सर्विसेज दे रहे हो ना फ्रेंड्स, ए टू जेड कोई सर्विस है, लेकिन आपका कीवर्ड आपका मेटा टाइटल इतना ज़्यादा इंप्रेसिव होना चाहिए, इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए, इतना ज़्यादा अपीलिंग होना चाहिए कि गूगल उसको रिजल्ट में लेके आए। यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट कीवर्ड लिखा, ठीक है फ्रेंड, बहुत स्मार्ट मूव है, क्योंकि टाइटल टैग में आपके कीवर्ड ही आने चाहिए एक तरीके से। ये और कोई वेबसाइट होती जैसे डिजिटल मार्केटिंग की होती तो हम लिख सकते हैं, अगर हमारा कीवर्ड होगा डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन दिल्ली, तो हम लिख सकते हैं बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन दिल्ली, हमने बेस्ट लगा दिया, ठीक है। तो हमने इसमें एक हेल्पिंग लगा दिया बेस्ट, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट कीवर्ड करा को नहीं, लेकिन उन्होंने मेटा डिस्क्रिप्शन में क्या उसे एक्सप्लेन करा, प्रोवाइड हैसल फ्री कमर्शियल फर्नीचर रिमूवल एंड कमर्शियल जंक रिमूवल सर्विसेज, ठीक है। ये होता है डोंट ओवर प्रॉमिस। एक आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आज जो नई आपकी, अगर आपको बताऊं अभी जो एक एल्गो भी आई है, जो मार्च कोर अपडेट भी आया, उससे पहले भी आया, कि जो मैंने सॉरी उसका बताया था आपको गूगल डिस्कवर का, कि एक तो लिंक बेस्ड एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, कि इस लिंक पे क्लिक हो, जो कि आपने थंबनेल देखा होगा कि कितने ज़्यादा उल्टे सीधे होते हैं, कि बस हम क्लिक कर दें, ये मर गए वो मर गए, ये हो गया वो हो गया, ठीक है। अब आप इस पे देखो कि अब ये आपका जो सर्विस है फ्रेंड्स, मैं आप एक बात बोलता हूँ, अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चला रहा हूँ, मेरी SEO की वेबसाइट है, मैं SEO की सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, अगर मैं अपने टाइटल डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा कि रैंक योर एनी कीवर्ड ऑफ एनी वॉल्यूम इन जस्ट 7 डेज, लोग मेरे पास आएंगे, लेकिन फ्रेंड्स
क्या ये पॉसिबल है कि 7 दिन में मैं किसी भी वॉल्यूम का कीवर्ड रैंक करा दूंगा? ये झूठ है। अगर आप ऐसा लिखोगे ना तो गूगल साफ समझ जाएगा कि ये केवल हाई क्लिक के लिए कर रहा है, CTR के लिए कर रहा है, तो वो रिजल्ट नहीं दिखाएगा हमको। भाई 7 दिन में आप कोई सा भी वॉल्यूम उठा के 1 लाख 2 लाख की वॉल्यूम लाओ, मैं 7 दिन में कर दूंगा। लिखने वाला तो बेवकूफ़ है ही है, और जो उस पर क्लिक करके उसको एंटरटेन करना है ना, वो उससे बड़ा बेवकूफ़ है। तो ये होता है कि आप ओवर मत बताइए, ओवर प्रॉमिस मत करो, जो आप कर सकते हो वो आप करो। लिखो हाँ भाई यू विल गेट रिजल्ट इन 3 मंथ्स 4 मंथ। तो एक ना आज की डेट में सबको समझ आ चुकी है कि SEO के बंदों पर जाओगे ना तो आपको भाई यू हैव टू वेट एटलीस्ट 3 मंथ टू गेट योर डिजायर्ड रिजल्ट, टू गेट योर कीवर्ड रैंकिंग और पर्टिकुलर पेज रैंकिंग इन SERP इन द डिजायर्ड पोजिशन लाइक top 5, top 10 एट ऑल। सो वी डोंट हैव टू पुट दोज की फ्रेजेज इन आर मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन विच ओवर प्रोमिस्ड, ठीक है, या ओवर हाइप। अब आ गया हेडिंग्स। तो फ्रेंड्स ये भी वही है कि एटलीस्ट 2 H2 विथ कीवर्ड, ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन हायरार्की, मेक द मोस्ट स्कीमेबल। अब क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप गए 2 H2 होने चाहिए, H2 यहाँ 3 है मिनिमम, 2 होने चाहिए, यहाँ पे 2 है। दोनों ही H2 में आप अगर देखो ध्यान से, इको फ्रेंडली कमर्शियल जंक रिमूवल, देखो फ्रेंड्स ये कीवर्ड आ रहा है, दूसरा H2 में नहीं कीवर्ड आ रहा, चलो ठीक है क्योंकि जरूरी नहीं होता हर H2 में, लेकिन आपके जो H2 हो उनमें कीवर्ड्स कंटेंट होने बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। ये कीवर्ड नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं व्हाट वी पिकअप, कहीं ना कहीं अगर आप समझो कि हम क्या पिकअप करते हैं, कि कहीं ना कहीं अगर इस पेज को समझा जाए तो एक इनडायरेक्टली कीवर्ड की तरफ प्रकट है कि हम कौन सा जंक पिकअप करते हैं, तो उसकी बात हो रही है। लेकिन हाँ ये डेडिकेटेड कीवर्ड दे सकते थे, लेकिन वो पेज स्ट्रक्चर पर चलता है कि क्या पता हम पहले ही सब कुछ बातें कर चुके हूँ। जैसे व्हाट वी पिकअप में लिखा है टायर्स रिमूवल, कि अगर कोई टायर की कंपनी है उसके टायर सड़े हुए, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट रिमूवल, अप्लायंस रिसाइकिलिंग, कारपेट रिमूवल, फर्नीचर रिमूवल, मैट्रेस रिमूवल, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली बताना चाह रहे हैं कि भाई ये सारी चीज़ें हैं H2, ठीक है। उसके बाद है मेक द पोस्ट स्कीमेबल। इसका तो फ्रेंड मैं एक मिनट देखता हूँ स्कीमेबल क्या होता है। कि स्कीमेबल मतलब क्या होता है कि अट्रैक्टिव हो, एक 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 मतलब उसमें जो फ्रेंड मतलब जो कंटेंट हो हमारा एक एक अट्रैक्टिव हो, उससे लोग कनेक्ट करें। तो ये मतलब ये होता है कि जो आपका जो कंटेंट हो वो इंगेजिंग हो। तो एक अच्छे तरीके से कंटेंट को लिखना, एक अपने जो विषय जो एक कंटेंट है उसके बारे में, एक कंटेंट लिखने से पहले आपको पूरी थॉरो नॉलेज होनी चाहिए आप क्या लिख रहे हो, आपका इंटेंट क्या है और किस तरीके की ऑडियंस को आप टारगेट कर रहे हो, ठीक है। अब आ गया 5th पॉइंट मेटा डिस्क्रिप्शन, 155 से 160 करेक्टर होना चाहिए, इंक्लूड कीवर्ड होना चाहिए, एक्शनेबल कन्वेज वैल्यू। अब वही बात है, हम यहाँ पे गए 155 से 160, देखो 143 है, बैंग ऑन। उसके बाद क्या बोलते हैं, ये इंक्लूड कीवर्ड एक्शनेबल कन्वेज वैल्यू, कीवर्ड 100% इसमें कीवर्ड इन्होंने डाले हुए, 2 कीवर्ड डाले हुए, कमर्शियल फर्नीचर रिमूवल डाला हुआ है, कमर्शियल जंक रिमूवल सर्विसेज डाला हुआ है, एक्शन लेबल है, हाँ भाई आप 1800 रेट ऑफ इट प्रोवाइड, ये कंपनी का नाम हो गया, प्लीज़ बुक कराओ। वैल्यू कन्वे कर रहा है भाई 100% कर रहा है, हैसल फ्री है, टेंशन नहीं है, आपको एक कॉल करनी है, आपकी अपॉइंटमेंट होगी, आपका जो फर्नीचर है रिमूवल सर्विसेज के अलावा भी अब क्या होता है कुछ फ्रेंड्स, पहली बार आपके पास कोई आता है आपको अच्छी सर्विस देते हो तो आप उसे आगे बताते हो। जैसे आपकी फर्नीचर की दुकान थी, आपका काम था, किसी का टायर्स का होगा, कोई होटल इंडस्ट्री होगी जिनके जो आपको पता है होटल्स में मैट्रेसेस होते हैं या बहुत सारा स्क्रैप होता है, तो आप उनको भी कन्वे करोगे मैसेज कि भाई उस बंदे ने मेरा टाइम मेरा इस तरीके से मुझे सर्विस दी थी, यू कैन ऑल्सो कॉल हिम। तो एक कन्वे कर रहे हो आप, एक देखे थे ना मीनिंगफुल कन्वे वैल्यू, वैल्यू भी कन्वे होनी चाहिए कि जो आपका डिस्क्रिप्शन हो वो इस तरीके से हो कि लोग आए, एक वैल्यू वैल्यू एडेड हो कि उस पर क्लिक्स आए, ठीक है। अब बात हो गई इमेज की, तो आई बटन में इसका वीडियो देखेगा, मैंने इंपॉर्टेंस ऑफ इमेज साइट मैप बनाया था, लेकिन ये दोबारा हम डिस्कस करेंगे। नॉट वाइडर देन मैक्सिमम पेज विड्थ, अब एक पेज विड्थ होती है फ्रेंड, अब ये थोड़ी ना कि मैं इस इमेज को इससे बाहर लेके चला जाऊँ या इस पर इमेज ही दिखे कॉन्टेंट ना दिखे, तो हमें इस तरीके से करना चाहिए। और आपको एक बात पता है
कि 100 KB लेस देन इमेज गुड फॉर एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू, लोड जल्दी होता है पेज, कंप्रेस कर सकते हैं, ऑल टेक्स्ट विद कीवर्ड जो मैंने बताया ऑल टेक्स्ट लगाना जरूरी है, फाइल नेम नो स्पेस कंटेंस कीवर्ड। देखिए व्हेन नेमिंग एन इमेज फॉर एसईओ यू शुड यूज रेलेवेंट कीवर्ड एंड डिस्क्रिप्टिव फाइल नेम दैट इज आर लेस देन 6 वर्ड्स लॉन्ग, यू शुड अवॉइड यूजिंग स्पेसेस एंड स्पेशल कैरेक्टर एंड इंस्टेड सेपरेट वर्ड्स एंड विद हाइफंस एंड अंडरस्कोर, फॉर एग्जांपल लाइक होबोक एंगेजमेंट फोटोग्राफी .jpg। तो फ्रेंड आपने समझा कि अगर कोई भी आप इमेज अपलोड कर रहे हैं, जब फाइल नेम की बात हो, जो बोलते हैं ना फाइल विद नेम, तो आप इसमें स्पेस हाइफंस कुछ मत दीजिएगा, अगर हो ना बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विस इन दिल्ली तो डायरेक्ट लिख दो बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन दिल्ली या बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज दिल्ली, ठीक है। ये कितनी, ये एक इज अ गुड फाइल नेम। देखो इसमें अंडरस्कोर हाइफंस वगैरह कुछ नहीं है, कोई सेपरेट वर्ड नहीं है। यू शुड अवॉइड कीवर्ड स्टफिंग विच कैन बी बैकफायर, यू शुड ऑल्सो फॉलो अ स्टैंडर्ड यूजिंग इधर लो केस और अपर केस इन नेमिंग फाइल्स। फ्रेंड्स आप ये देख रहे हो इसमें इन्होंने सारे स्मॉल केस यूज़ करें, लोअर केस यूज़ करें, तो आप भी लोअर केस में यूज़ करो। और ये नहीं डिजिटल मार्केटिंग सर्विस नहीं, ये एक वो कहते ना बैकफायर करेगा, एक ही बार लिख दो। और ये नहीं सारे पेज आपके पेज में जितनी इमेजेस हो उसमें आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन दिल्ली लिख रहे हो, नहीं फ्रेंड, एक में बेस्ट लिख दो, एक में लिख दो कि डिजिटल मार्केटिंग दिल्ली या डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज नियर बाय यू। आप GMB के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जाओ कि कोई अगर सर्च करें तो क्या पता GMB के हिसाब से भी आपकी इमेज आ जाए और उस इमेज से आपके लोग वेब पेज पे चले जाएं, ठीक है फ्रेंड। यू कैन ऑल्सो यूज इमेज टेक्स्ट ऑल टेक्स्ट टू प्रोवाइड मोर कॉन्टेंट टू द इमेज, ठीक है फ्रेंड्स। ये वही बात हो गई, ऑल टेक्स्ट की बात है। अब क्या है, डोंट रिप्लेस इंपॉर्टेंट बॉडी टेक्स्ट। हाँ फ्रेंड्स क्या होता है ना कि हमारी एक इमेज है, मान लो आजकल लोग गलती क्या करते हैं ना कि जैसे मान लो ये एक इमेज है, लोग सीधा इसका नाम दे देंगे डिजिटल मार्केट कमर्शियल जंक रिमूवल, लेकिन गूगल कहता है कि भैया ये इसको आप एक्सप्लेन करो, तो आप इसको इमेज ये कह सकते हो क्या, इमेज हैविंग टू इंडिविजुअल्स अ बॉय और अ गर्ल, अ बॉय वेयरिंग रेड स्वेट शर्ट हैविंग अ रेड कैप, अ गर्ल हैविंग अ ट्राउजर और टी शर्ट, पॉइंटेड फिंगर टू द अ ट्रक which is from rid of it junk removal and they carry they are here to pick up their remover and they are dealing in commercial junk removal and disposable। तो आपने देखा कि वो गूगल कहता है कि आप अपना कीवर्ड उसमें डालो, लेकिन एक तरीके से, जैसे मैं लिख दिया a boy and a girl, a boy wearing red t-shirt pointed out to the commercial junk removal truck। देखो इसमें मैंने कमर्शियल जंक रिमूवल का अपना कीवर्ड यूज कर लिया, ट्रक भी था, ये अगर तरीका होगा ना फ्रेंड्स, एंड ट्रक हैविंग अ नेम प्रिंट ऑफ 1800 रेट ऑफ फेट जंक रिमूवल सर्विसेज। देखा फ्रेंड्स आपने कि हमने ट्रक की भी बात कर ली, उस इमेज में दो लोगों की बात कर ली, उनके कपड़ों की बात कर ली, अपना कीवर्ड भी प्लेस कर दिया, तो ये उसके बारे में बात कर रहा है, एड वैल्यू। ऐसे मैंने नीचे एक स्क्रीनशॉट और लगाया, इसको भी हम लोग थोड़ा गो थ्रू करते हैं। इमेजेस कैन इंप्रूव योर एसईओ रैंकिंग बाय मेकिंग योर कंटेंट मोर इंटरेस्टिंग एंड अपीलिंग, हियर आर सम टिप्स फॉर ऑप्टिमाइजिंग इमेजेस फॉर एसईओ, लाइक यूज रेलेवेंट इमेज, यूज एन इमेज दैट मैच योर टेक्स्ट। जरूरी ना फ्रेंड, यहाँ पे कमर्शियल जंक रिमूवल की बात हो रही है, यहाँ पे आप गाड़ी कोई हाई फाई गाड़ी या स्पोर्ट्स कार लगा दो, कंटेंट मिलना चाहिए। कंप्रेस योर इमेजेस कैन रिड्यूस लोडिंग टाइम, जैसे मैंने बोला 100 GB में चाहिए, कंप्रेस करो इमेजेस को, चूज द राइट फाइल टाइप लाइक JPG इज द कॉमन फॉर्मेट दैट यूजेस स्मॉल साइजेस एंड इट इज वाइडली सपोर्टेड, वाइल PNG इज गुड फॉर हाई रेजोल्यूशन एंड टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन, PNG हम लोगों के लिए भी यूज करते हैं। तो अपने कंटेंट की इमेजेस के हिसाब से आप उसका फॉर्मेट देखेगा, PNG लेना है, JPG लेना है, कस्टमाइज फाइल नेम जो मैंने बोला फाइल नेम यूज़ कीजिए, लोअर केस में कीजिए, अपर केस में कीजिए, कोई हाइफन कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, ऑप्टिमाइज इमेज ऑल टैग होने चाहिए, यूज लेजी लोडिंग दिस टेक्निक इंप्रूव योर वेबसाइट स्पीड एंड LCP मैट्रिसेस विच कैन लीड बेटर सर्च इंजन रैंकिंग, LCP लार्जेस्ट कंटेंट पे इंटफुल कोर वेब वाइटल्स में से एक है। तो यूज लेजी लोडिंग दिस टेक्निक कैन इंप्रूव योर वेबसाइट स्पीड एंड LCP मैट्रिक्स विच कैन लीड बेटर, ठीक है फ्रेंड्स। ये कोई चीज़ होगी, टर्म होगी जो LCP में हेल्प करता है, तो हमें LCP के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि LCP क्या होता है, अबव द फोल्ड जो स्टार्ट जो पेज लोड होता है आपके मोबाइल पे लैपटॉप पे डेस्कटॉप पे, तो LCP 2.5 से लेकर 4 सेकंड के बीच में हमारा पेज लोड होना चाहिए, तो उसको भी ध्यान रखना है अपनी इमेज के रेजोल्यूशन सेलेक्ट करते समय। जियो टैग योर इमेज, आई बटन में फ्रेंड्स इसका वीडियो देखिएगा, डेप्थ वीडियो मैंने बनाया और ये सबसे ज़्यादा हाई व्यूएबल वीडियो है मेरे चैनल का,
400 व्यूज मतलब आने वाले हैं इस वाले वीडियो पे। जियो टैग करना बहुत ज़रूरी होता है अपनी इमेजेस के लिए, जो कि कहते हैं ना आपका GMB में जो टॉप थ्री रिजल्ट आते हैं ना, पैक थ्री एक वर्ड आया था, पैक थ्री कि टॉप थ्री में अगर आपकी जियो टैगिंग है तो आपका रिजल्ट दिखेगा। तो इसका डेप्थ वीडियो देखेगा तो और आपको समझ आएगा। मैंने उसमें कोऑर्डिनेट्स देके जियो टैग एक इमेज को करके दिखाया और उसे अपलोड भी करा है, ठीक है फ्रेंड्स, और उसमें कीवर्ड भी मैंने इंटीग्रेट करें, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो जियो टैगिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है इमेजेस के लिए, अगर मैं खासकर GMB की बात करता हूँ, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लिंक्स। देखिए फ्रेंड्स, एक पेज पे इंटरनल लिंक एक्सटर्नल लिंक होते हैं। आपको पता है एक्सटर्नल किसी और मतलब हमारी वेबसाइट किसी और वेबसाइट से हमारी वेबसाइट पे लोग आ रहे हैं, इंटरनल लिंक हमारी वेबसाइट के अंदर लिंकिंग हो रही है, ठीक है। तो 1-3 हाई क्वालिटी एक्सटर्नल लिंक्स भी होने चाहिए कि हम किसी थर्ड पार्टी की बात करें, एक रेफरेंस कर रहे हैं। 2-4 इंटरनल लिंक ऑन द पेज, समझिए ऑन द पेज। जैसे मैंने यहाँ पे लिंक ले रखा है, इसको मैं ओपन करता हूँ, यहाँ ऑन द पेज की बात है। जैसे मान लीजिए ये आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे देखे होंगे, स्नीली लॉकर्स स्मार्ट लॉकर्स रिटेलर्स, ये इन्हीं के पेज पे जा रहा है। मतलब एक पेज पे 2-3 इंटरनल लिंक होने चाहिए जो दूसरे पेज को हम लोग भेज रहे हैं। ये एक होम पेज के लिए फ्रेंड, मतलब स्नेली लॉकर्स एक एंकर टेक्स्ट पे लगाया है, लेकिन जो टारगेट क्या कर रहा है, होम पेज को कर रहा है, ठीक है। 3+ इंटरनल लिंक टू द पेज, इसका मतलब क्या है, बाकी पेजों से 3 लिंक आपके पास आने चाहिए। कोई ब्लॉग के 3-4 पेजेज हैं, उनके थ्रू कोई क्रॉलर आया, सबसे पहले आपको पता है ब्लॉग सेक्शन इंडेक्स होता है क्योंकि वो इन्फॉर्मेटिव होता है। अगर वहाँ पे आप वेब पेज का एंकर टेक्स्ट लगा दें, किसी कीवर्ड पे एंकर टेक्स्ट लगा दें जो कि पॉइंट आउट करता है एक पर्टिकुलर पेज पे, तो ऐसे 3 होने चाहिए कि कोई ऐसे 3 पेज आपकी वेबसाइट पे जो आपके उस पर्टिकुलर वेब पेज को पॉइंट कर रहे हो, उस पे चाहे ट्रैफिक हो, चाहे यूज़र हो, चाहे क्रॉलर हो, उस पर जाके आपके पेज पे आए। 2-4 आपके पेज पे इंटरनल लिंकिंग होनी चाहिए जिनसे जिस पेज से आप 2-4 पेजों पे जाओ। 1-3 हाई क्वालिटी एक्सटर्नल लिंक अपनी वेब पेज पे वेबसाइट पे रखिए कि कोई थर्ड पार्टी है जो वो इन पे एक्सपर्ट ही हो, उस पे लोग चाहें। एंकर टेक्स्ट स्पेसिफिक होना चाहिए, जैसे फ्रेंड्स आप देख लीजिए ये एंकर टेक्स्ट है, ठीक है, स्नेली लॉकर, ये खुद ही बता रहा है कि मैं ब्रांड की बात कर रहा हूँ, तो ये ब्रांड पे ही रीडायरेक्ट है। आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे snellylockers.com लिखा है, ठीक है फ्रेंड्स, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब आपका आ गया टेक्निकल, पासेस पेज स्पीड टेस्ट, मोबाइल फ्रेंडली इंडेक्स। फ्रेंड्स ये सारा टेक्निकल टर्म्स आ गया, तो हम GT मैट्रिक्स, आपको पता है बेस्ट वेबसाइट बोलूँगा, और भी हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा GT मैट्रिक्स से, और भी बहुत सारे हमारे पास टूल्स हैं जिन पे हम जाएंगे, जिस पे हमारा LCP आपका निकल जाएगा, आपका LCP निकल जाएगा, कोर पे पैटर्न निकल जाएगा, FID निकल जाएगा, INP निकल जाएगा, आपका मोबाइल फ्रेंडली कितनी है वेबसाइट, डेस्कटॉप फ्रेंडली कितनी है वाइड, और सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स ये टेक्निकल ऐसी से पहले इंडेक्स्ड, आपके सारे पेज इंडेक्स होने चाहिए। जैसे मैं sandy.com है, मैं इसकी बात करता हूँ, ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे गया और मैंने यहाँ पे साइड कोलन डाला, तो सबसे पहले तो आप चेक कीजिए आपके पेजेस इंडेक्स हैं भी या नहीं है। देखिए फ्रेंड्स ये सारे पेजेस आपके ओपन होके आ गए, इतने सारे पेजेस हमारे इंडेक्स हैं, ठीक है, कितने रिजल्ट आ रहे हैं अभी, 100 रिजल्ट आ रहे हैं, मोर रिजल्ट्स और हैं, तो इसके पेज ही इन लैक्स हैं तो बहुत सारे होंगे। तो देख रहे हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ये भी देखना सर होना कि वो पर्टिकुलर पेज इंडेक्स है कि नहीं है। अगर पेज ही इंडेक्स नहीं होगा, कोई वेब पेज या कोई ब्लॉग पेज, तो हम लड़ किस लिए रहे हैं, जब वो इंडेक्स ही नहीं है, वो सर पे पहुंचा ही नहीं, वो कंपटीशन में ही नहीं उतरा, तो हम कैसे उम्मीद करें वो फर्स्ट आएगा। मतलब वही सिंपल बात है ना कि आप मैच खेलने गए हो, आप प्ले ग्राउंड में गए नहीं हो, आपके प्रेजेंस ही प्ले ग्राउंड में नहीं है, आप प्लेयर्स के नेम आपका नाम ही प्लेयर्स नेम में नहीं है, और आप ये देख रहे हो कि मैं वो मैच जीत गया, मैन ऑफ द मैच बन गया, कैसे, पहले मैदान में तो आओ, पहले आप सर्प पे तो आओ, चाहे 100वीं पोजीशन पे आओ, चाहे 50वीं पोजीशन पे आओ, उसके बाद तो बाकी काम होंगे ना, कि हमारे कॉम्पिटिटरों ने किस तरह मेटा टाइटल लिखा है, मेटा डिस्क्रिप्शन लिखा है, H1 लिखा है, फिर हम उसी को अपने पे लाएंगे, तभी तो वही तो कॉम्पिटिटर एनालिसिस होती है। तो पहले इंडेक्स होना बहुत ज़रूरी होता है कि आपके पेजेस तो इंडेक्स हों। चलो अब वही, अब क्लाइंट ये बोलते भाई मैं इंडेक्स ही नहीं हूँ, मैं हूँ ही नहीं किसी गिनती में, फर्स्ट सेकंड तो सोचूंगा क्या, तो आप बोलते भाई इंडेक्स तो हो गया। आपको पता है 90% प्रॉब्लम SEOs की क्या आती है, सर हमारा इंडेक्स नहीं हो रहा, हमारे पेज ही इंडेक्स नहीं हो रहे, वो फिर मैंने उस पर डिफरेंट वीडियो बनाया, क्रॉल क्रेडिट नो इंडेक्स 404,
तो पहले हमारी सीडी क्या है, पहले हमारी वेबसाइट है कि भाई उसे इंडेक्स कराओ। तो इंडेक्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तो हम मोबाइल फ्रेंडली है कि नहीं, यूआरएल डालेंगे, पास पेज स्पीड टेस्ट, पेज टेस्ट होनी चाहिए कि भाई जो आपकी लोडिंग स्पीड है वो लेस देन 4 सेकंड हो जाए, 2.5 से 4 सेकंड के बीच में आप पास कर गए, ठीक है। तो ये टेक्निकल पे आगे इस पर भी एक डेडिकेटेड एक वीडियो आएगा फ्रेंड्स, क्योंकि बिल्कुल उसको डिस्कस किया जाएगा। अब है कंटेंट क्वालिटी फ्रेंड्स। कंटेंट के लिए मैंने बहुत सारे वीडियो, मतलब मैंने कई बार बात करता ही रहता हूँ। जो लास्ट एल हुआ हमारी मंथली, जो मार्च मंथली कोर अपडेट अभी आई है, इसी मंथ आई है, वो ये ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए, इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट होनी चाहिए, ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए, कहीं से स्पैम ना हो, वो पांडा एल्गोरिथम वरना पनिश करेगी। कंटेंट फार्मिंग क्या थी, यही तो थी कि आपने कोई स्पैम ही कॉपीड कंटेंट नहीं ले रखा, इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट, जो भी इन्फॉर्मेशन जिस कंटेंट के बारे में आप बात कर रहे हो, जो सर्विस के बारे में बात कर रहे हैं, वो एक्यूरेट होनी चाहिए। लाइक इसमें जीएमबी का एग्जांपल देता हूँ, आपकी एक डिस्पेंसरी है, आप एक डॉक्टर हो, आपने बोला मैं सुबह से 9 से लेकर रात को 9 बजे तक खोलता हूँ, ठीक है, और हो क्या रहा है, आप सुबह 10 बजे क्लिनिक ओपन कर रहे हो, ठीक है, लोगों ने एक दो रिव्यू डाल दिए, क्या हुआ, इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट इसलिए होता है कि भाई आप तो ओपन नहीं हो, आपने 9 बजे का टाइम लिखा हुआ है, डिलीवर्स ऑन प्रॉमिस, वो एग्जांपल आ गया कि जो आप डिलीवर कर रहे हो ऑन प्रॉमिस करो, जो कि जैसे ये कमर्शियल जंक रिमूवल सर्विस की साइट थी या कोई डिजिटल मार्केटिंग की साइट थी, की थी कि भाई जो आप प्रॉमिस कर रहे हो, सबसे ज़्यादा तो मैं इसके बाद बोलूँगा, चाहे आप अर्बन क्लैप ले लो, अर्बन कंपनी जो हो चुका है, या बहुत सारी सर्विस जो बोलते हैं कि सर हम कल विजिट करेंगे और आपका कर देंगे, या कोई टीवी रिपेयर शॉप है या कोई शॉप है कि विद इन 3 डेज यू विल गेट योर प्रोडक्ट विद फिक्स, तो ऐसा होना चाहिए, एक्शन लेबल होना चाहिए कि कंटेंट के हिसाब से एक्शन लेबल होना चाहिए कि हाँ भाई लोग उसे पढ़ के एंगेजमेंट बढ़े और लोग आपको आगे लीड कन्वर्ट हो, जो भी आपका ट्रैफिक आ रहा है वो लीड में कन्वर्ट हो। रीड लाइक आ ह्यूमन रोटेट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने बोला कि AI तो आ चुका है, लेकिन आप AI में भी ह्यूमन टच दीजिए, जो आपके जैसे लोगों ने आज की डेट में जैसे AI है, आपकी बहुत सारे कंटेंट राइटर को निकाल दिया कंपनी ने, पर ये गलत है, ऐसे नहीं होता कि आपने AI पे पूरा ही रिलाई कर लिया। AI आपका टाइम बचा रहा है लेकिन क्वालिटी नहीं दे रहा, और क्वालिटी दे रहा है तो वो उस ह्यूमन टच नहीं दे रहा। आप कुछ फ्रेंड सोचिए ना, एक रोबोट और एक इंसान में कुछ तो फीलिंग्स की बात हो गई ना, एक ह्यूमन टच की बात हो गई, तो आपका कंटेंट पढ़ के भी लगना चाहिए एक ह्यूमन टच है। ऑर्गेनाइज विद हेडिंग्स, प्रॉपर हेडिंग होनी चाहिए, जिस तरह मैंने आपको दिखाया था कि H1 है, H2 है पूरा पैराग्राफ, ब्रोकन विद इमेजेस, तो आप ये देख लीजिए कि पैराग्राफ जो होने चाहिए वो इमेजेस से, मतलब जैसे अब आपका यही वाला एग्जांपल, मैं इसको पेज को ओपन करता हूँ कि ये पैराग्राफ है, देखिए पैराग्राफ स्टार्ट हुआ, ब्रोकन विद इमेज, बहुत परफेक्ट एग्जांपल, एक इमेज आ गई, फिर कंटेंट लिखा गया, फिर ये सारे आपके ऐसे आ गया कि पैराग्राफ ब्रोकन विद इमेज, कि आपने पैराग्राफ में बात करी, आपने देखा बहुत सारे ब्लॉग्स होते हैं इसमें एक इमेज होती है, फीचर इमेज और एक प्राइमरी, कि एक इमेज स्टार्टिंग में हो, एक बीच में आए, तो एक इंगेजमेंट बढ़ती है। अगर आप उस कंटेंट के बारे में बात करें, आपने जैसे मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, मीडियम पे मेरे ब्लॉग्स होते हैं, तो जैसे आप ये वाला ब्लॉग देख लीजिए जो मेरा अभी टॉप पे है, जियो इम्पॉर्टेंस ऑफ जियो टैगिंग इन 2024, ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा अभी टॉप पे चल रहा है ब्लॉग, मीडियम पे मैंने लिखा था, देखिए फ्रेंड्स इम्पॉर्टेंस ऑफ मीडियम अब है सकता है ना। अगर मैं इस ब्लॉग को ओपन करता हूँ तो आप देखिए कि इसमें भी मैंने एक इमेज डाली है, फिर मैंने कंटेंट लिखा है, मैंने दूसरी इमेज नहीं डाली, लेकिन एक इमेज मैं बीच में भी यहाँ पर डाल सकता। तो मेरा एक पॉइंट है कि अगर इंपॉर्टेंस ऑफ जियो टैगिंग है, तो आप देख लीजिए, एक बंदा खड़ा है एक मैप के ऊपर, एक बंदा प्लेस है और वो देख रहा है, तो कहीं ना कहीं वो एक ये एक रेलिवेंट होता है कि आप अगर जियो टैगिंग की बात कर रहे हैं तो आप एक बंदा दिखा रहे हैं जो कि एक वो एक मैप तो बता दिया कि खड़ा है, लेकिन वो एक दुनिया एक बीच में ऐसी जगह खड़ा है कि जहाँ पे उसको कहीं जाना है और वो सर्च कर रहा है उस लोकेशन को। तो ये होता है फ्रेंड्स कि आपका जो कॉन्टेंट होना चाहिए वो रेलिवेंट होना चाहिए, हैं इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए, और क्या था, ऑर्गेनाइज विद हेडिंग्स, हेडिंग्स सारे यहाँ से पैराग्राफ में, फिर 1500+ वर्ड। जैसे फ्रेंड्स अभी ये जो लास्ट एल्गो आई है, इसमें तो साफ बोला गया है कि भाई कंटेंट 500 ही रखो, 400 रखो, 600 रखो, लेकिन इट शुड बी एक्शनलेबल, इट शुड बी कन्वे समथिंग इन्फॉर्मेटिव 1500। लेकिन ये पुराना था कि 1500 वर्ड हो तो वो कंटेंट ज़्यादा रैंकिंग में आएगा, होता भी था फ्रेंड्स, पर अब ट्रेंड बदल चुका है, अब इम्पॉर्टेंट क्वांटिटी नहीं, अब क्वालिटी है।
तो मैं इस पॉइंट्स को मैंने लिखा जरूर है, लेकिन आप कोशिश कीजिए, अगर आपका 1500 वर्ड का भी लिख रहे हैं ठीक है, आपका कंटेंट या आपका सब्जेक्ट वो डिमांड करता है, तो अबव द फोल्ड पार्ट पहले 500 वर्ड में, जो एल्गो आई है, गूगल कोर अपडेट आई है, पहले 500 वर्ड में आप 80% इंफॉर्मेशन दे दो। इससे आपके बाकी 1000 वर्ड भी रीड करने में मजा आएगा। वो होता है ना, कोई वीडियो बनाता है कोई यूट्यूब पे, तो वो वीडियो में लास्ट तक नहीं बताएगा कि ये है, मेरा सब्सक्राइब करो, मेरा लाइक करो, कि वो बंदा बंधा रहे। अब लोग इतने, लोगों को गुस्सा आता है, लोग आगे ड्रैग कर देते हैं ठीक है, या लोग दूसरे पे चले जाते हैं कि भाई इसको पहले अपनी कहानी करनी है, अपना प्रमोट कर रहा है, कंटेंट पे तो बात ही नहीं कर रहा। तो वही होता है, अगर आपने स्टार्टिंग में ही ना, अगर 4 मिनट का वीडियो, 10 मिनट का वीडियो, अपने स्टार्टिंग के 5 मिनट डेडिकेटेड उस कॉन्टेंट पर बात कर लेना, मार्क माई वर्ड, बंदा पूरा वीडियो देख के जाएगा कि आपने उसे बिठा लिया, आपने उसे ठहरा लिया, हाँ भाई रुक। तो ये होना चाहिए। अब है यूआरएल, फ्रेंड्स यूआरएल शॉर्ट होने चाहिए, कंटेंट्स कीवर्ड होने चाहिए, डैशेज रिप्लेसेस विद स्पेसेस, ठीक है फ्रेंड। हियर आर सम एग्जांपल ऑफ एसईओ फ्रेंडली यूआरएल्स लाइक http example.com कॉन्टैक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट पेज यूआरएल ई कॉमर्स वेबसाइट है, तो http example.com प्रोडक्ट नेम और example.com कैटेगरी नेम प्रोडक्ट नेम, इस तरीके से होने चाहिए। आपका जो अगर ब्लॉग का यूआरएल है, तो ब्लॉग टिप्स एसईओ फ्रेंडली यूआरएल स्ट्रक्चर, स्पेस नहीं होना चाहिए, स्पेस की जगह डैश होना चाहिए। अब ये नहीं आपने लिख दिया यूआरएल स्पेस स्ट्रक्चर, वो आइडियली नहीं है, उसकी जगह ये डैश यूज़ कीजिए। कीप यूआरएल शॉर्ट, शॉर्टर यूआरएल्स आर बेटर फॉर एसईओ, छोटा यूआरएल जितना होगा अच्छा रहता है। कीवर्ड इंक्लूड कीवर्ड दैट डिस्क्राइब कंटेंट ऑफ योर पेजेस लाइक, देखिए फ्रेंडली यूआरएल स्ट्रक्चर, ये यूआरएल स्ट्रक्चर एक कीवर्ड है, इसने यहाँ पे यूज़ कर लिया। एलिमिनेट नंबर दैट कैन मेक यूआरएल लुक लॉन्ग, कई बार फ्रेंड्स नंबर आते हैं, जिसका मैंने आपको रेजेक्स में बताया था कि कई बार हमें अगर नंबर पता करना हो तो वो हम रेजेक्स लगाते हैं, तो नंबर पर चलते हैं कितने सारे हैं, तो हमें अवॉइड करना चाहिए। यूज़ लॉजिकल हायरार्की, दिस हेल्प सर्च इंजन अंडरस्टैंड द वेबसाइट ऑर्गेनाइजेशन, बहुत अच्छी बात है फ्रेंड कि एक हायरार्की होनी चाहिए। देखिए फ्रेंड जैसे ये है, मैं अभी आपको बताता हूँ, ये देखिए होम मल्टी रेजिडेंशियल, ये एक हायरार्की पेज का एक स्ट्रक्चर होना चाहिए ठीक है। कमर्शियल में गए हम, तो आप देखिए यहाँ पे आपका आ गया होम कमर्शियल आ गया ठीक है। तो एक हायरार्की मेंटेन होनी चाहिए, ये भी हमें यहाँ पे ऊपर ही रखना चाहिए, कि स्ट्रक्चर ऐसा रखना चाहिए कि यूज़र भी सर्च ना करे, इस पे चला जाए, एक नए पेज पे चला जाए, और एक क्रॉलर पॉइंट ऑफ व्यू से भी जब वो रीड करे तो वो प्रॉपर हो। अब लास्ट हमारा पॉइंट आ गया फ्रेशनेस। अब है अपडेट इन्फॉर्मेशन, रिफ्रेश इमेजेस, एड न्यू, फिक्स ब्रोकन लिंक्स, चेक कीवर्ड इंटेंट। इन्फॉर्मेशन को आप अपडेट करते रहिए फ्रेंड्स, जैसे मैं कहता हूँ कि कुछ ना कुछ नया आता रहता है। आपने एक ब्लॉग लिखा या आपने एक वेब पेज का कंटेंट लिखा ठीक है, इंडेक्स हो गया, 3 से 4 महीने हो गए, तो आप देखेंगे कोई भी टॉपिक है, जैसे आप विंडोज़ की बात करते हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं, एसईओ में मैं खुद कहूँगा फ्रेंड कि मैं आज ऑफ पेज एसईओ की बात कर रहा हूँ, मैं ऑन पेज एसईओ की बात कर रहा हूँ। कॉन्टेंट सिंडिकेशन आया था, लेकिन लास्ट ईयर मई में आ गया कॉन्टेंट सिंडिकेशन पे, नो फॉलो नो टैग लगाओ, जहाँ पे कॉन्टेंट सिंडिकेशन है मतलब वो रिमूव हो गया। तो आप अपने पेज में क्रॉलर बार बार तभी आएगा, आपके पेज में क्रॉल रिक्वेस्ट जनरेट तभी होंगी जब आपके कंटेंट में, मैं ये नहीं कह रहा पूरा कंटेंट उठा के चेंज कर दो, नहीं, वो भी रैंकिंग में फ़र्क ला देगा, वो फिर रैंक करने में टाइम लेगा। उसी कंटेंट में कुछ पॉइंट्स ऐड कर दो, एक पैराग्राफ ऐड कर दो, या थोड़ा सा ट्वीक कर दो विद न्यू कीवर्ड, ताकि कंटेंट फ्रेश लगे हमेशा ही, जब बंदा आए तो बोले यार कंटेंट, जब भी हम इस पेज पे आते हैं, क्रॉलर भी सोचे जब भी हम इस पेज पे आते हैं कुछ नया देखने को मिलता है, तो क्रॉलर्स भी आपके सर में वो रिजल्ट आपके हाई रखेंगे एज कम्पेयर टू योर इमेज। रिफ्रेश इमेजेस फ्रेंड्स, इमेजेस चेंज करते रह कीजिए, वो कहते हैं ना लुक एंड फील। कोई पिक्चर है, अब आप एक ही पिक्चर अपने देखा होगा, लोग वॉलपेपर लगाते हैं डेस्कटॉप पे, अपने फ़ोन में, अपनी डीपी समझ लीजिए फ्रेंड्स। आप हर 10 दिन में कहीं गए, जैसे दिल्ली में हो, शिमला गए, मनाली गए, या कहीं बाहर गए, अपनी डीपी चेंज करते हैं, आपको भी अच्छा लगता है, दूसरा जो आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, हाँ भाई ये यहाँ यहाँ जा रहा है, रिफ्रेश इमेजेस वो कीजिए। आप खुद सोचिए कि जो आप रियल लाइफ में जो चीज़ें एक इंसान को पसंद होती है ना, वही एक पॉइंट है आपके कंटेंट को लेके, कि आप उसमें चेंजेस करते जाएंगे। अपडेट इन्फॉर्मेशन मतलब आप अपने आप को अपडेट कीजिए। सिंपल बात है फ्रेंड्स, आप रोज ऑफिस जा रहे हैं, कैजुअल में जा रहे हैं, प्रॉपर फॉर्मल शर्ट, फॉर्मल पैंट, फॉर्मल शूज, सैटरडे संडे होता है, आप जीन्स टी शर्ट पे आ जाते हो, लाइक अपडेट इन्फॉर्मेशन, लाइक अपडेट योर सेल्फ इन टर्म्स ऑफ योर अपीयर्स।
फिक्स ब्रोकन लिंक्स चेक कीवर्ड इन्वेंट इंटेंट, मैंने कीवर्ड इन्वेंट पहले पॉइंट में बता दिया था कि इंटेंट देखो कि लोग उसे सेलेबल ले रहे हैं, लाइक एसईओ एक्सपर्ट नियर मी, तो उसको बंदा चाहिए, बस वो पैसे देने को तैयार है, आप उसे पेच अच्छा करो, कोई इन्फॉर्मेशन चाह रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग सर्विस, डिजिटल मार्केटिंग सर्विस के बारे में जानना चाह रहे हो, तो वहाँ पे गूगल उसको रिजल्ट वो दिखाएगा जो ब्लॉग होंगे, जो टॉप अच्छे ब्लॉग होंगे। ब्रोकन लिंक चेक करके फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे लिंक दे दिया है, ये मैं सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा, जैसे यहाँ पे गए तो आप इस पर क्लिक कीजिए, ये आप ब्रोकन लिंक चेकर की साइट पर चले गए, इस पर आप जाइए और अपना डोमेन डालिए, आपको सारे ब्रोकन लिंक्स पर मैं चल जाएंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रोकन लिंक्स तो होने ही नहीं चाहिए आपकी वेबसाइट पर। तो फ्रेंड्स ये थे वो 50 पॉइंट्स, आई होप ये वीडियो थोड़ा लंबा हुआ, आप लोग एंड तक देखिएगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अक्षय आपकी भी रिक्वेस्ट थी वो फुलफिल हो गई, आज मैंने आपका वीडियो भी बना दिया। ऐसे फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में अपने आप कमेंट डालते रहिए, टॉपिक्स मुझे बताते रहिए, कई बार मैं भी वीडियोस बनाता हूँ तो मैं भी सोचता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाऊँ, लेकिन जो आपके कमेंट्स आते हैं वो मुझे बहुत हेल्प करते हैं कि भाई इस पे बनाओ। जैसे लास्ट आप 7-8 वीडियो देख लो कि मैंने गूगल सर्च कंसोल पे जो रिजेक्ट्स का बनाया था वो भी रिक्वेस्ट पे बनाया था, नंबर अप्रूव नहीं हो रहा अंजलि कौर वो भी रिक्वेस्ट पे बनाया था, फिर अक्षय के रिक्वेस्ट पे ये आज का वीडियो भी बना, ठीक है। मेरा फ्रेंड था कुलदीप, उसकी रिक्वेस्ट पे बना गूगल माई बिजनेस इंट्रोडक्शन। तो ऐसे ही आप लोगों की रिक्वेस्ट आती रहती है ना, तो वो एक चेन चलती रहती है, बाकी तो हमें सोचना ही पड़ता है कि नेक्स्ट वीडियो किस पर डालें, लेकिन एक हेल्प मिल जाती है, एक पाथ मिल जाता है, गूगल कैलेंडर हम सेट कर लेते हैं विद देयर नेम्स कि भाई ये लोग ये चाह रहे हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स, तो चैनल को करिए सब्सक्राइब, शेयर कीजिए एज मच एज यू पॉसिबल, और कमेंट्स कीजिए अपने कमेंट्स। सो फ्रेंड्स थैंक यू, फ्रेंड्स थैंक्स अ लॉट।